जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर के दौरान दिखी मार्मिक तस्वीर, गोलीबारी में मारे गए नाना के शव के पास बैठकर रोता रहा मासूम। गोलीबारी के बीच जवानों ने मासूम को सुरक्षित निकाला, सदमे में आए बच्चे को परिवार के पास पहुंचाया। सुपौर में मौके का फायदा उठाकर भाग निकले आतंकी, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, दो जख्मी। त्राल में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट, लश्कर जैश हिजबुल के आतंकी शामिल। लद्दाख में एलएसी पर फिर तनाव बढ़ने की आशंका, चीनी सेना ने सरहद पर बढ़ाई जवानों की तादाद। चीनी चाल के जवाब में भारत ने भी चीन से बढ़ाई सैनिकों की तादाद, लद्दाख में अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद रेजिमेंट की तैनाती। चीन के साथ पाकिस्तान की हरकतें भी तेज, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फौज की 2 डिवीजन तैनात। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने आतंकी संगठन अल बद्र से मिलाया हाथ, जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश का शक। 59 चीनी ऐप पर पाबंदी के साथ चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो से अलग हुए प्रधानमंत्री मोदी, सभी पोस्ट हटाई। भारत के सभी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। चीन ने तनातनी के बीच शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख नरवणे भी होंगे साथ। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, कोरोना के हालात के मुताबिक होगा फैसला। डॉक्टर्स डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिल्ली में कोरोना के हालात पर अमित शाह की डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक, आने वाले हालात पर बनी रणनीति। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू हुई नए सिरे से लड़ाई, सीएम योगी ने लॉन्च किया संचारी रोग नियंत्रण अभियान। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मंदिर का भूमि पूजन सावन में ही करने की अपील। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला, 3,800 से ज्यादा शिक्षकों का एक ही पैन नंबर होने का खुलासा। यूपी में मदरसा बोर्ड का रिजल्ट घोषित, करीब 82% छात्र पास। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल सुरेश ठाकुर ने मनाया एसपी नेता अखिलेश यादव का जन्मदिन, प्रचार में हो चुके हैं शामिल। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। किल कोरोना अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदेश में घर घर जाकर करेंगे सर्वे, सीएम शिवराज ने रवाना किए प्रचार वाहन। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने संभाला मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार, भोपाल में राजभवन में ली शपथ। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर तमाम अटकलें खत्म, सीएम शिवराज का बयान, कल नए मंत्री लेंगे शपथ। इंदौर में एक मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव, वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से लौटा था छात्र। अविंदो मेडिकल इंस्टीट्यूट में दी गई रेमडेसिविर दवा, सातों की हालत गंभीर। उज्जैन के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और पुलिसकर्मी में मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई वारदात। छतरपुर में दिव्यांग लड़की से गैंगरेप की वारदात, चारों आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में डायनामाइट लगाकर उड़ाया गया पुल, निर्माण के दौरान दरार आने के बाद किया गया धराशायी। उज्जैन की सब्जी मंडी में भीषण आग, सभी दुकानें जलकर खाक। दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कोविड हॉस्पिटल में तब्दील, सीएम अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम सिसोदिया ने किया निरीक्षण। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक काबू में है कोरोना के हालात, कहा जितनी आशंका थी उतना नहीं फैला संक्रमण। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन में रेलवे के आइसोलेशन कोच का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, सीएम केजरीवाल पर लगाया श्रेय लेने की राजनीति का आरोप। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार। कोरोना से जंग जीतने वाले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने किया प्लाज्मा डोनेशन, ठीक होने वाले बाकी मरीजों को जागरूक किया। डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स का सम्मान, एम्स में लगा रक्तदान शिविर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के सामने नारेबाजी की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को दिल्ली का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के चलते फैसला। तिहाड़ जेल में कैदी के कत्ल से सनसनी, दूसरे कैदी ने बहन से रेप के आरोपी की ली जान। दिल्ली के नरेला में फायरिंग के मामले में इनामी अपराधी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। दिल्ली में मॉनसून कमजोर पड़ने से उमस बढ़ी, मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई को बारिश का अनुमान। अनलॉक 2 में बिहार में मास्क के नियम पर कड़ाई शुरू, नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। मोतिहारी में सड़क की मांग के लिए आंदोलन, युवाओं ने शुरू किया जल सत्याग्रह। सासाराम में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने किया हंगामा। झारखंड के गढ़वा में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला, जेसीबी मशीनों से करवाया जा रहा है काम। जयपुर में कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज ने खुदकुशी की, मौत से पहले वीडियो बनाकर अस्पताल में लापरवाही को बताया जिम्मेदार। डॉक्टर्स डे के मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया 108 अस्पतालों का शिलान्यास, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए डॉक्टर्स को शुक्रिया कहा।
करौली में जमीन विवाद को लेकर महिला के साथ रिश्तेदारों ने की बदसलूकी, बेटियों के साथ मारपीट। भरतपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, तीनों आरोपी फरार। जयपुर में दो सगी बहनों ने लगाई फांसी, सुइसाइड नोट में पड़ोसियों पर परेशानी का आरोप। मुंबई में लोकल ट्रेनों की संख्या 350 तक बढ़ाई गई, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत। पंढरपुर में भगवान विट्ठल की शरण में पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, पत्नी और बेटे ने भी पूजा पाठ किया। शिरडी में भक्तों के बगैर मनाई गई आषाढ़ी एकादशी, साईं को एकांत में चढ़ाया गया भोग। मुंबई के पवई में इमारत की पांचवी मंजिल पर भड़की आग, घंटों की मेहनत के बाद काबू। गुजरात की बिजली कंपनी के करीब 3500 कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर गए, प्रबंधन पर बिना सुरक्षा के जबरन काम कराने का आरोप। देशभर में कोरोना से मरने वालों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 507 की मौत। 24 घंटे में देशभर में सामने आए 18,653 नए मरीज, देशभर में कुल 5,85,000 से ज्यादा मामले। देशभर में अब तक करीब 3.5 लाख लोगों ने कोरोना से जीती जंग, अब तक 17,400 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 1,74,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 4,878 नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में 62 मरीजों की मौत, अब तक कुल मामले 85,000 के पार। फरीदकोट में किसान ने 2 एकड़ में गन्ने की फसल को लगाई आग, लॉकडाउन के चलते नहीं मिला एक भी खरीदार। अमृतसर में एसएसपी दफ्तर के बाहर किसानों का हंगामा, लॉकडाउन के दौरान किसानों पर दर्ज 188 मामलों पर विरोध जताया। अमृतसर में पंजाब की पहली कोविड वैन सेवा शुरू, घर घर जाकर सैंपल लेगी। बरनाला में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ने कमाल किया, नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा में हासिल किया 4th स्थान। हरियाणा में आज से खोल दिए गए शॉपिंग मॉल्स, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार खुला कोलकाता का कालीघाट मंदिर, अनलॉक 1 में भी भक्तों को नहीं मिले दर्शन। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए अभी भी बंद, लेकिन मंदिर में जारी रहेगी 300 साल पुरानी भस्मार। मथुरा बांके बिहारी मंदिर अनलॉक 2 के दौरान भी रहेगा बंद, कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर ट्रस्ट का फैसला। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी रथ यात्रा की इजाजत। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में सादगी के साथ संपन्न हुई रथ यात्रा, टीएमसी सांसद नुसरत शामिल। कोलकाता में दुर्गा पूजा पर भी कोरोना का असर, दुर्गा प्रतिमा के लिए मिलने वाले ऑर्डर में 90% गिरावट। गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना का ग्रहण, मुंबई में इस साल नहीं सजेगा लालबाग के राजा का पंडाल। कोलकाता में बिजली के दामों में इजाफे पर बीजेपी का हल्ला बोल, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। कोलकाता के कोविड अस्पताल के डॉक्टर्स के वाहनों पर पुलिस ने जकड़ी जंजीर, पुलिसकर्मी के रिश्तेदार का इलाज नहीं होने पर बदले की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दरभंगा में नेपाल से आने वाले पानी ने मचाई आफत, बाढ़ में लकड़ी का पुल बहा, कई गांव जलमग्न। राजस्थान के बारा में रात भर हुई बारिश के बाद नदी नालों में उफान, पुल के ऊपर बहते पानी के बीच वाहन निकालते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में घंटे तक जोरदार बारिश, हाईवे पर पानी भरा। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर, हजारों लोग घर छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नगर निगम ने तैयार किया बाढ़ कंट्रोल रूम। मथुरा में टिड्डी दल का हमला, रिफाइनरी इलाके में डेरा डाला। राजस्थान के दौसा में भी पहुंचा टिड्डियों का झुंड, ट्रैक्टर्स के सहारे किया गया केमिकल का छिड़काव। इटावा में आम के बागीचों पर टिड्डियों का हमला, लाखों का फसल बर्बाद। जैसलमेर में बार बार पहुंच रहे टिड्डियों के झुंड, ड्रोन से किया जा रहा है केमिकल स्प्रे। राजस्थान के नागौर में भी टिड्डियों ने सैकड़ों एकड़ की फसल को पहुंचाया नुकसान, किसान बेहाल हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।